मुंबई और दिल्ली की तर्ज पर बड़े महानगरों की तरह अब झारखंड में भी कोरोना तांडव मचाने लगा है। झारखंड की राजधानी रांची की बात करें तो कोरोना की वजह से हाल भयावह होते जा रहा है। सोमवार को करीब सभी अखबारों में झारखंड में जांच केंद्र से लेकर अंतिम संस्कार तक कतार लगने की खबरें सुर्खियां में रही। अखबारों के मुताबिक 40 घंटे तक शमशान में शव लेकर लोग अंतिम संस्कार को खड़े रहे। जिस तरह से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उसी तरह से कोरोना से मौत का आंकड़ा भी बढ़ते जा रहा है। हरमू मुक्ति धाम में विद्युत शव दाह गृह में खराबी आने की वजह से शवों की लंबी कतार लग गई। परिजन काफी परेशान रहे। जिला प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद घाघरा नदी घाट पर शवों का अंतिम संस्कार किया गया। 36 घंटे में 52 शवों का अंतिम संस्कार किया गया। हरमू मुक्ति धाम में पहुंचे शवों में 13 मृतकों के शव कोरोना संक्रमित मरीजों की थी। इलेक्ट्रिक शवदाह में खराबी आने की वजह से कई घंटों तक परिजन और एम्बुलेंस ड्राइवरों को पीपीई किट में रहना पड़ा। हालांकि उपायुक्त छवि बारला ने तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था बहाल कराई और खुद रात को करीब 2:30 बजे शमशान घाट में जायजा लेने पहुंचे। परिजनों को आश्वस्त कराया कि शवों के अंतिम संस्कार के लिए जिला प्रशासन हर संभव प्रयास करेगी। जब तक इलेक्ट्रिक शवदाह शुरू नहीं होता, तब तक वैकल्पिक व्यवस्था जारी रहेगी। पिछले 24 घंटे में झारखंड में कोरोना के 2366 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में तेजी से बढ़ते मामलों को देखकर राज्य सरकार तैयारी शुरू कर दी है। स्वास्थ्य सचिव के सोन ने केंद्र सरकार से 1500 वेंटिलेटर की मांग की है। केंद्र सरकार को लिखे गए पत्र में जिक्र किया गया है कि इस माह के अंत तक 5000 वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ सकती है, जबकि झारखंड के सरकारी अस्पतालों में महज 500 वेंटिलेटर उपलब्ध हैं। कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। बिना जरूरत घर से बाहर ना निकलें, बहुत आवश्यकता के बाद ही मास्क के साथ निकलें, सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करें और सामाजिक दूरी का भी पालन करें। वैश्विक महामारी को हराने में अपना योगदान दें।